हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटस बार के कुछ नए ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मॉडल के बारे में, उसके बाद है अपना ये क्विक व्यू लेआउट, और उसके बाद है अपना क्विक व्यू ड्राइंग। ठीक है, तो मॉडल के रिलेटेड दूसरे भी बहुत तरह के ऑप्शंस हैं, उसके भी बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक 2D ड्राइंग बनाया है। उसमें जब मैं मॉडल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक पेपर का लेआउट आ गया। अब वो लेआउट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मॉडल 1 है, ये लेआउट है, लेआउट 2 है। ठीक है, लेआउट 1 और लेआउट 2 दोनों सेम है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे लेआउट में आते हैं, जैसे कि लेआउट 1 में आए और 2 में आए। ठीक है, तो लेआउट 1 में यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस नए आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको, ठीक है, ये आए। अगर लेआउट 2 में जाएंगे तो वो ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये है मॉडल, ये है लेआउट 1, ये आपका लेआउट 2। तो लेआउट 1 में जब हम जाते हैं तो आपके पास एक नया ऑप्शन आया, यहाँ पे आता है, ये है अपना मैक्सिमाइज व्यू पॉइंट। मैक्सिमाइज व्यू पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया तो आपका ये जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो आपको दिखाएगा, आपको मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया तो वो वापस पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। फिर लेआउट 1 में जब आप यहाँ पे जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप, ये आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेआउट मैंने यहाँ पे चेंज किया, ऐसे मुझे रखना है थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इसको चेंज ना करे तो आप यहाँ पे जाके लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर आप यहाँ पे अनलॉक करके फिर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर है लास्ट में अपना व्यू पोर्ट स्केल। अब स्केल है यहाँ पे, तो आपको जो भी स्केल रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मुझे 1:8 का रखना है तो मैं वो भी रख सकता हूँ। ठीक है, जनरली 1:1 का ही होता है तो ये मैंने वो रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर लेआउट 2 में, तो लेआउट 2 की अगर मैं बात करूँ तो लेआउट 2 में भी सेम ही है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मॉडल बहुत सिंपल सा है। इसमें अगर आपको अलग अलग व्यू रखने हो तो आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने ऐसा रखता हूँ थोड़ा, हाँ ऐसा रखता हूँ। ठीक है, लेआउट 1 में मैंने थोड़ा ऐसा रखा है, मॉडल तो अपना पहले वाला ही है। ठीक है, तो ये है सिंपल मॉडल। उसके बाद है यहाँ पे क्विक व्यू लेआउट। अब नाम से ही पता चलता है किसको देखना है, तो लेआउट को देखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जब, तो आपको यहाँ पे लेआउट दिखेंगे। जैसे मॉडल वाला है अपना, उसके बाद लेआउट 1, तो लेआउट 1 कैसा है तो ये ऐसा है, लेआउट 2 ऐसा है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं उसमें जाना हो तो। ठीक है, तो आपको क्विक दिखाएगा, जल्दी दिखाएगा बहुत। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पे, ये है अपना क्विक व्यू ड्राइंग। क्विक व्यू ड्राइंग भी सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो वो क्यों नहीं दिखा रहा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं गया, न्यू में गया, न्यू में एक नई फाइल बनाई, उसमें मैं बना लेता हूँ एक ट्रायंगल टाइप। ठीक है, फिर मैं जो अपना पुराना वाला था तो मैं पुराने वाले में चला जाता हूँ, ये वाला पुराना वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो फाइल खुली रखी है, तो अगर मुझे एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्विक व्यू ड्राइंग में। आप देख सकते हैं इस वाली फाइल में तो मैं हूँ, जो ग्रीन कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है। फिर मुझे यहाँ जाना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, क्विक जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे वहाँ पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक यहाँ पे एक और खासियत है कि यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा, लेआउट भी दिखाएगा। यहाँ पे तो देखिए ये मॉडल है, ये लेआउट तो मैंने रखा ही नहीं कुछ, इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पे हमने ये मॉडल है अपना और ये दो लेआउट है अपने। ठीक, तो ये आपको जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको ये बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है,
आपको प्रिंट निकालनी है तब भी आपको यूज़फुल होंगे कि कैसे लेआउट पेज पे लेआउट आ रहा है उसका, लेआउट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कमांड है, तीनों ऑप्शन सिंपल ही है, तो आपको आराम से आ जाएंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।